नमस्कार, आज हम बनाएंगे बथुए का रायता। ये बथुए का रायता सर्दियों में बनाते हैं। बथुए गर्म होता है, इसलिए बथुए का रायता सर्दियों में ही खाया जाता है। बथुए को उबालेंगे पानी में। अब ये उबल गया, उबलने के बाद इसे ठंडा करके पीसिए। इसको ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, थोड़ा मोटा ही रखना है। अब एक बर्तन में दही डालिए, दही को फेंटिए। आपको जितना पतला रखना है उतना पतला करके अब इसमें जो बथुआ पीसा है वो डालिए इसमें। और इसमें मसाले डालेंगे, आधी चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच काला नमक, सफ़ेद नमक। मसाले आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालिए। अब इसको मिक्स कीजिए अच्छी तरह से। अब इसमें हम धुंधार लगाएंगे। फॉल पेपर को अंदर रखिए और कच्चा कोयला लीजिए, उसे गर्म करके उसको जला लीजिए। उसके अंदर फिर एक थोड़ा सा सरसों का तेल डालिए, या आप देसी घी भी डाल सकते हैं। जब इसके अंदर धुआं निकलने लगे इसको ढक दीजिए। तो ये धुंधार लग गया, रायता तैयार है।